धर्मानंद के यहाँ सत्संग हुआ कराए थे, तो मुश्किल से हमारे लोग 25 या 30 दीक्षा रही होगी। और उस दिन ब्राह्मणों का गांव है आपका और क्षत्रिय का गांव है, लेकिन अंतिम दिन कई सौ दीक्षा हुई। लेकिन मैं सोचते रह गया कि ये लोग बोल दे गुरु जी बंद करती चलन जा, न गुरु जी के नाचे आवेला, न गुरु जी गावे आवेला, न गुरु जी चिढ़ावे आवेला, कुछ ना आवेला। कितने महाराज लोग खूब अच्छा अच्छा गीत गाते हैं, हमारे तो गला भी नहीं, वो तो श्रृंगी बेचारा संभालते हैं, श्रृंगी वही दोहरा लेते हैं, सही दोहराते हैं, दिव्यानंद तो उसमें जोड़ देता। तो वही गति है दिव्य आत्माएं, चलिए आज के चौथ पांचवें दिन का यही है अश्वमेध यज्ञ का उपदेश। मानिए अधर्म सम्मेलन का इतने घंटे का, तीन चार घंटे का सबक मानिए कि यदि हम सदगुरु के शरण में रहेंगे तो सत्य धर्म से जूट करके वह कर्म करेंगे जो देवताओं को भी दुर्लभ है, और यदि सदगुरु के चरण से अलग हो गए, दीक्षा लेकर के भी अलग हो गए, तो हम वह कर्म करेंगे जो रावण राक्षस नहीं किया, महिषासुर नहीं किया, दानव आज तक नहीं किए, वैसा कर्म हम करेंगे यदि सदगुरु नहीं है तो। और जिस समय वह चक्रव्यूह में फंसेंगे तो सारे लोग तमाशा देखें, कोई उबारने वाला, एक सदगुरु उबारेगा। इसी के साथ साथ सदगुरु को नमन करते हुए आज प्रणाम करते हैं उस सदगुरु के चरणों में कि हे प्रभु, कभी सब कुछ छूट जाए, कबहु न छूटे सदगुरु आप, कबहु न छूटे सदगुरु आप का चारा दे आहो, कबहु न छूटे सदगुरु आप का चारा दे आहो। आप लोग शांत होकर के अपने स्थान पर बैठ जाएं। अरे आप करिए ना, लेट होगा, क्या करना चाह रहे हैं, करिए ना, बैठ रहे थे सैकड़ा से, दो तीन चार घंटे से बैठे हैं बेचारे, सब पाँच घंटा हो गया, तो आप बोलिए ना जो बोलना है, कहना क्या चाह रहे हैं। किसी हम लोगों के बीच आज इस धर्म सभा में दो दिव्य आत्माएं हमारे दाहिने तरफ, डॉक्टर अरविंद श्रीवास्तव जी, सीएससी कोपागंज में आप चिकित्सक के पद पर नियुक्त हैं, और डॉक्टर श्रीमती नम्रता श्रीवास्तव जी जिला महिला अस्पताल मऊ में नियुक्त हैं। आज इस धर्म सभा में हम लोगों के बीच उपस्थित हैं, चूंकि आप लोग कहीं बीच में सड़क पर जाम में फंस गए थे इसलिए समय से यहां नहीं पहुंचे हैं। आप दोनों ही दिव्य आत्माएं हमारे आपके परम आदरणीय परम पुण्य सदगुरु जी महाराज के श्री चरणों में पुष्प अर्पित करेंगे। विश्वामित्र जी आप आ जाएं, ऊपर ही आ जाइए, आप रोज जानते हैं आपको अनुमति है तो। स्मृति चिन्ह और महाप्रसाद प्राप्त करते हुए सदगुरु जी महाराज से डॉक्टर अरविंद कुमार श्रीवास्तव। आप हमेशा YouTube पर भी आते रहते हैं,
चैनलों पर भी आते रहते हैं। विश्वामित्र जी, विश्वामित्र जी, स्मृति चिन्ह प्राप्त करते हुए डॉक्टर श्रीमती निर्मला श्रीवास्तव जी, नम्रता श्रीवास्तव जी, अंग वस्त्रम देते हुए परम आदरणीय परम पुण्य सद्गुरु जी महाराज, युवा के आइए यहीं पे। शशिराज जी आए, थोड़ा सा संक्षिप्त कार्यक्रम है, दो लोग माल्यार्पण कर दीजिए, इसके बाद आरती का समय हो चला है। शशिराज जी और सन्नी सिंह, शशिराज जी माल्यार्पण करेंगी डॉक्टर नम्रता श्रीवास्तव को। आगे से आप लोग स्थान छोड़ लीजिए, बार बार कहा जाता है। इसके बाद सन्नी सिंह माल्यार्पण करेंगी डॉक्टर नम्रता श्रीवास्तव को। शशि जी स्थान छोड़िए। इसके बाद आप बैठ जाएं बहन जी। गोरखपुर जनपद के मातेश्वरी परिवार धर्म संघ सभा के संगठन के अध्यक्ष आचार्य विश्वामित्र जी माल्यार्पण करेंगे डॉक्टर अरविंद कुमार श्रीवास्तव जी का। जनपद मऊ अध्यक्ष मातेश्वरी परिवार के अवधेशानंद जी महाराज माल्यार्पण करेंगे। और समय अभाव है, आप देर से आए हैं, मुझे भी दुख है कि मैं जो जा रहा था उतना नहीं दे पाया, लेकिन आप आए हैं तो दो शब्द उस जगत जननी जिसका कि अभी आपने उल्लेख सुना, उनके बारे में, हमारे मातेश्वरी के बारे में, हमारे परिवार मातेश्वरी के बारे में, मातेश्वरी परिवार के बारे में दो शब्द डॉक्टर अरविंद कुमार श्रीवास्तव जी। इस अश्वमेध महायज्ञ का कौन सा दिन है? छठवां हो गया, बाप रे, छठवां हो गया, दो ही दिन, एक ही दिन, एक सर 27 है 28 तो समझिए, वैसे इतना कार्यक्रम है 28 को कि भागे दौड़े। ठीक है, कब चला गया कुछ लग रहा है? हमको नहीं लग रहा है। चलिए, आज का ध्यान बहुत महत्वपूर्ण है। और लोगों का तो हम नहीं सुने, लेकिन एक सर्वात्मानंद जी महाराज का भजन सुने, ध्यान में टूट गया। बड़ा अच्छा भजन गाया था, आध्यात्मिक था, नहीं बड़ा अच्छा भजन था। और दूसरा हम सुने प्रदेशाध्यक्ष जी, तो
सब लोग अपना अपना जीवन की घटना बताते हैं, हम किससे बताएं, कौन मेरा सुनने वाला है। हमारे गुरु का एक के बात है, इतनी बात एक है लेकिन आप लोगों के गुरु से बहुत ज्यादा बात है। अब आप लोगों के गुरु से हमारे गुरु में धरती आसमान का अंतर। जो आपके गुरु जी हार जाते हैं तो हमारे गुरु जी बैठे से कर देते हैं, ठीक है। यही है कि गुरु जी की सबसे बड़ी कृपा यह है ना कि आप लोगों को यदि मैं पाया हूं तो अपने सदगुरु के कृपा से ही पाया हूं, ठीक है ना। हमें भी याद आता है एक भजन खाली, जीवन में बहुत समस्याएं, बहुत दुख, बहुत विपत्ति, लेकिन एक शब्द केवल आता है, है? और इसलिए हमने सदगुरु के चरणों में यह फूल हमेशा चढ़ाता हूं। मैं सोचता हूं कि यह जो भजन का एक फूल है रोज चढ़ाऊं, लेकिन आज याद आ गया तो चढ़ा दे रहे हैं। आप लोग अपने गुरु को जाने, लेकिन हम अपने गुरु को चढ़ा रहे हैं। अरे पार हो गई लहो नैया पार हो गई, लेते सृजी है लेते सदगुरु का दोहैया, पार हो गई लेते सदगुरु का दोहैया, नैया पार हो गई लेके सदगुरु का दोहैया, नैया पार हो गई। अरे पार हो गई लहो नैया पार हो गई, नैया पार हो गई लहो नैया पार हो गई लेके सदगुरु का दोहैया, नैया पार हो गई लेके सदगुरु का दोहैया, नैया पार हो गई। हमारे सभी आचार्यों में एक दधीच आचार्य है, पता नहीं है कि नहीं है, भागे थे कुछ दिन वर्ण। उनका एक सिद्धांत हमको जमता है, सभी आचार्य हमारे सभी आचार्यों में एक न एक खूबी जरूर है। कोई हमारा आचार्य नहीं है कि जिसमें गुण न हो, सदगुण से भरे हुए। और सभी देवी देवताओं में भी एक गुण है, कई हजार की जनता है, सबसे पहले गुण देख लीजिए कितनी शांति है कि नहीं। आए थोड़ा सा हट जाए देखो ना, हा 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 लगेगा। तो सबसे बड़ा हमारे से जो जुटे हैं, हम भी भाग्यशाली हैं कि शरीर तो आपका मनुष्य का है, लेकिन हम आपको देवी देवता से कम नहीं, देवी देवता ही समझते, ठीक है। ये हमारी भाग्य है और हर गुरुओं से तो हम भाग्यशाली हैं। ये अन्य गुरु लोगों से शायद जितना हमारे अनुयायी लोगों को प्रताड़ित किया गया समाज से, चाहे अन्य लोगों से, निंदा से और तरह से, लेकिन आप लोग धन्य हैं कि किसी को कोई हटा नहीं सका, हटा सका और हटा भी नहीं पाएगा, हटा पाएगा। दधीच की एक बात हमें याद आती है, हम अपने गुरु पर ही सोचते हैं। ये बोलते हैं कि लोग, शास्त्र भी बोलता है, पुराण भी बोलता है, ऋषि मुनि भी बोलते हैं कि ब्रह्मा है, विष्णु है, शंकर है, दुर्गा है, काली है। दधीच जी तर्क देते हैं, जब हम किसी को देखे नहीं तो माने किसको, ठीक है। इन्हीं की बात हमें याद आ गई और इसीलिए हम भी सोचते हैं कि जो कुछ है सो गुरु ही है, ठीक है। लेके सदगुरु के दोहैया नैया पार हो गई, लेके सदगुरु के दोहैया नैया पार हो गई, लेके सदगुरु के दोहैया नैया पार हो गई, पार हो गई लहो नैया पार हो गई, पार हो गई लहो नैया पार हो गई, लेके सदगुरु के दोहैया नैया पार हो गई, लेके सदगुरु के दोहैया नैया पार हो गई। अरे आप ही त ब्रह्म सदगुरु, आप ही त शंकर, आप ही त ब्रह्म सदगुरु, आप ही त शंकर,
आपहिता ब्रह्मा सद्गुरु आपहिता शंकर आप रघुराई कृष्ण विष्णु में नयंतर आप रघुराई कृष्ण विष्णु नयंतर आप रघुराई कृष्ण विष्णु नयंतर अर्ज करे मन में यही सर्विश्वास वही भगवान हो गए लेके सदगुरु का तो हैया नैया पार हो गई लेके सदगुरु का दो हैया नैया पार हो गई नैया पार हो गई हो नैया पार हो गई हो नैया पार हो गई लेके सदगुरु का दो हैया नैया पार हो गई लेके सदगुरु का दो हैया नैया पार हो गई अजे करेत बाट बस सदगुरु का सहारा अजे करेत बाट बस सदगुरु का सहारा जे करेत बाट बस सदगुरु का सहारा ओही के नैया के बिली बस किनारा ओही के नैया के बिली बस किनारा ओही के नैया के बिली बस किनारा जेही अविश्वासियों कर नैया मझ धार रह गए लेके सदगुरु का दो हैया नैया पार हो गई लेके सदगुरु का दो हैया नैया पार हो गई नैया पार हो गई हो नैया पार हो गई नैया पार हो गई लेके सदगुरु का दो हैया नैया पार हो गई लेके सदगुरु का दो हैया नैया पार हो गई बोलिए साची दरबार की जय जय दिव्य आत्माएं जो यह सिलसिला चलता है लोग अपने जीवन का अनुभव बोलते हैं हम किसी से कहते नहीं है कि बोलिए बोलिए हम कहते हैं हम सिखाते हैं उन लोगों का हृदय का जब एकदम व्याकुलता तड़पता है कि हमें भी तो सदगुरु की कृपा बरसी हमारे ऊपर भी तो दया आई हम नहीं कह पा रहे आखिर क्यों हमें समर्पण करें तो लोग व्याकुल होकर यहाँ तक पहुँचते हैं और अपनी बात को कहते हैं कुछ लोग तो ऐसे बोलते हैं जिनको मैं जानता भी नहीं अब इतने लोगों में दीक्षा ले ली हमें नहीं पता ऐसे लोग भी बोलते हैं फिर भी मैं आप लोगों से ही कहता हूँ कि यदि आपके जीवन में लेकिन घटना सच होनी चाहिए सच होना चाहिए जिसे सच बोले जो लोग बोले सच बोलते हैं तो तभी वह अच्छा लगता है थोड़ा सा मिलावट कर देंगे तो नहीं चलेगा ठीक है हृदय से होनी चाहिए और हृदय से जब उद्गार होगा तो ही सच होगा ठीक है तो आप लोगों से भी यदि किसी की इच्छा हो बोलने के लिए और सही लगे कि आपको घटित घटना है तभी बोलना हमको खुश करने के लिए नहीं दिखावा के लिए नहीं क्यों कि दिखावा वाला काम नहीं ठीक होता है कहा गया है कि देखा देखी भक्ति का कबहून चढ़े रंग विपत्ति पड़े पर छाड़ है जैव के चुली भुजंग ठीक है इसलिए जो बात हो दिखावा के ना जो हो सत्य हो ठीक है तो आप लोगों में कोई और है जिसको कहना चाहता हो तो अपना हाथ ऊपर करे गोविंद जी तो हमारे जन्म भूमि से हैं उनको इतना अभ्यास है का अच्छा केवल कौन लोग बोलना चाहते हैं हाथ आगे से पीछे सभी जो चाहे इच्छा हो कि प्रकट करें तो हाथ ऊपर कर सकते हैं एक दधीज जी हैं रामकेश जी हैं और गुणेंद्र जी हैं यात्री जी महाराज हैं और रामेश्वर जी महाराज हैं है? आए महाराज जी गोविंद जी दे दीजिए और आप लोग यहाँ नाम लिखा लीजिएगा बुलाएंगे
चलिए गोविंद जी का। अब हम लोगों के बीच देवियों में कोई कहना चाहता हो तो हाथ ऊपर करे। कलिंदा जी है, एक देवी जी है, पिछवा दिखाइए। बोलो सतगुरु चरण की जय, सतगुरु चरण की जय, सतगुरु चरण की जय। ए सरजू का शपथ, गुरु का शपथ लेकर मैं जो कह रहा हूं सत कह रहा हूं। नहीं हम इसलिए कहे, और बात नहीं, अन्यथा नहीं है। लीजिए, ऐसा है कि हमारे जन्म भूमि से है ना, और जन्म भूमि में हो करके इतनी दिव्य दृष्टि ज्ञान हो जाना और पहचान लेना है, होता है ना, फलाने का लड़का फलानवाना होता है कि नहीं होता है। और मेरा ग्राम तो न बताए तो ही अच्छा, क्योंकि गुरु जी बता ही दिए, लेकिन गुरु जी के ही बगल से हम हैं और चरण का लगाव कितना उसको नहीं व्यक्त करेंगे, हम वो खुद बताएंगे। हम न धन के लिए जुटे न पद के लिए जुटे, हमारा आंतरिक आत्मा था कि हमें कुछ मिले कहाँ से मिलेगा, इसके लिए हम चक्कर में थे। जब आए शरण में कुछ दिन बीता, हमारे घर जो गए थे पहले बलवंत भाई गए थे, पूजा कराए थे, देखे होंगे छोटा सा मड़ई का घर था, हमारा परिवार गिर गया, फिसल गया, पांव कमर की हड्डी टूट गई। पहले लाए थे हम यहाँ पर जो ये क्या है, ये जो डॉक्टर है, नहीं नहीं डॉक्टर जो है जीवन धारा, जीवन धारा में लाए तो फिर ऑपरेशन कराए, वो कहे धूस है, दवा कराए तो फिर हमारे जो गांव के बगल के थे लोग कहे कि ऐसा कि वो डॉक्टर थोड़ी है हड्डी का, उनके में ले गए गोब नहीं कौन उग्रसेन सिंह में, वो कहे हड्डी टूट गई है, कुछ दवा कराए नहीं कुछ मिला रिस्पांस हमको, तो कोई बताया कि लेकर चले जाइए आजमगढ़ में जावेद के यहाँ। जावेद के यहाँ गए, दो चक्कर गए, कोई आराम नहीं मिला, तो हम डॉक्टर से खुद बात किए कि डॉक्टर साहब इसको बहुत परेशान, रात भर रोती है, तो कहे कि जो तुमको कैसे पता इसको दर्द कितना होता है, बहुत बड़ा कष्ट हमको ठेस लगा। दवा तो लिए 15 दिन के लिए, लेकर आए, बातचीत चलने लगी, कहा कि दवा यहाँ पर नहीं है, अगर इस दवा के अलावा अगर उसी कंपनी का यह दवा मिले तो ले लेना। दवा लिए, मेडिकल पूछे हमसे, भाई आप बड़े दुखी में हैं, इतना हंसते थे किसी को हंसाते थे, आप क्यों दुखी रहते हैं, हम कहने इसी से बात है, कहने कहाँ दवा कराते बताए, कहने छोड़ दी उस दवा को। फिर भेजे उनके यहाँ जो है तिवारी जी के यहाँ, आर बी त्रिपाठी के यहाँ, वहाँ जब गए तो कुछ हमारे रिश्तेदार जुटे थे लेकर साथ में गए, तो उनके रिश्तेदार थे सरधा बाजार के लगे, तो गए बिना इमरजेंसी में लेकर बात करा करके दिखा दिए, ऑपरेशन कराए, एक्सरे कराए, खून का टपास किए, तो हमको जब देखे तो करते थे आप क्या करते हैं, अपनी सर बता दिए, दांत विक्रम को दाब लिए, वो कहे अच्छा ठीक तो है, हम तो भगवान नहीं है लेकिन इसकी रीढ़ की हड्डी तो पक करके टीवी हो गई है, टूट गया है, थोड़ा बहुत चलती उतरती थी लेकिन भगवान नहीं लेकिन हम बचा लेंगे। उसको दवा व दिए, 2 दिन का दवा लिए, सिर्फ पैसा सारा खत्म हो गया, 2,500 रुपया था सब चीज़ को कराने में। तो घर आए तो माता जी से जाकर कहे कि हमको कुछ पैसा चाहिए, ऐसी बात है, तो फिर दूसरे दिन दवा लाए, और दवा ला करके पुल पर उतरे, और गुरु जी के यहाँ पर बलवंत भाई याद हो, उनको याद नहीं बोला, हमको याद था कहाँ से आ रहे, बड़े धूप है आपका चेहरा एकदम जल रहा जैसे लग रहा है, हम कहें भैया इसी से बात है, तो कहना गुरु जी यहाँ नहीं मिलेगा, वहीं पर मिलेंगे, अभी वहाँ गए गुरु जी को दवा दिए, दवा दिए, उसके बाद कुछ दिन दवा चला, ठीक हो गए, चलने फिरने अपने काम लायक हो गई है, गुरु की कृपा पहला कृपा था। उसके बाद धीरे धीरे कम चलने लगा, भजन कीर्तन होने लगा, हमारे पीछे बहुत गुरु भी जानते, बताना को नहीं है क्या क्या नहीं हुआ हमारे साथ, भजन कराया बंद करा गया, कुछ भी करा, और हम अपने गाँव में क्रांति मचाती थे, यहाँ भी आज भी, अब हम कुछ नहीं बताएंगे, अपनी बात बताएं छोड़िए, जो है तो भोग रहे हैं लोग। हमारे शादी पड़ी 7 दिसंबर को, गुरु जी कुछ बात हुआ था, पहले घर गए थे, कहे कि सदिया करिए होगा ना, पैसा रखकर शादी नहीं होता है, शादी का डेट पड़ गया, तो अपने के हमें साधु के लड़के थे उससे कहे कि हमारे बच्चा की दुकान कर दिया था यहीं पर, गुरु जी के भाई कर रहे थे तो बंद कर दिए, तो कहा पापा हमने व्यवहार कमा लिया सामान दुकान पर, हम इसको धंधा करेंगे, हम कहें बेटा इसमें धंधा बहुत लगेगा, हमें बहुत बार इस बारे में एक्सपीरियंस हमको बहुत ज़्यादा है, हमने धंधा करके छोटा देखा है,
इस तुम्हारे बस हमारे बस की बात नहीं है, हम शादी रखे हैं कहाँ से करोगे, साल भर में शादी करना, पैसा नहीं शादी करें हम, तो कहा नहीं करें क्या कर दिया, अभी कर लिया अपना, वो शादी का डेट पड़ गया तो कहीं चाहे इसी दुकान पर लोन करा लो, तो हमारा साड़ू का बच्चा कहा कि ऐसा कि मऊसा इसमें लोन तो हो जाएगा लेकिन समय लगेगा, कोई ठीक है, तो हम समझ नहीं पाए कि हम कहें कि जल्दी से हो जाएगा दुकान पर, 5 लाख के चक्कर में थे, हम कहें किसी से लेना ना पड़े कर्जा, गाँव में किसी से मांगना ना पड़े, वो कर्जा धीरे धीरे भर लेंगे। जब कुछ नज़दीक आ गया गरीब बाबू क्या होगा, कुछ पैसा पता नहीं चला, कहा मऊसा पटा गए तो हम तो सोचे थे कि आप चक्कर में कहीं व्यवस्था कर लिए होंगे, 10 दिन रह गया था। हम कहने अरे बाप रे बाप, वो तो बड़ी भाई हमको ठोकर लगाए, करें तो क्या करें, हम सौंप दिए। जब नजदीक आ गया शादी, पता नहीं कहाँ से हे प्रभु हे गुरुजी, न विशेष कहने पर भी नहीं, कहीं 25,000 कहीं 10,000 कहीं 50,000 कहीं 1,00,000 रुपया आ गया। और जो शादी गुरुजी के पास 2 तारीख को आए, कार्ड दिए, गुरुजी कहे आप तो मंत्री जी हमारे साथ बहुत गद्दारी कर दिए, एक बार बताए नहीं आप, दिल्ली में जगह रख दिया हूँ, बम्बई में रख दिया हूँ, हम अक्यू तो आप अजमत में डाल दिए, अगर यहाँ की होती जगह हम बंद कर दिए, तो ये सब जथा गुरु जी का हम बंद कर दिए होते, लेकिन उस जगह को कैसे बंद करें, लेकिन गुरु की कृपा, चाहे 6 लाख हो चाहे 5 लाख, जो भी खर्च हुआ वैसा शादी लोग बताते कि हमारे क्षेत्र में किसी का 10 लाख खर्चा हुआ हो, 50 लाख खर्चा किया कोई, लेकिन वह दृश्य वह सीन किसी के यहाँ हुआ नहीं होगा। जहाँ पे भोजन बना था वहाँ भी दृश्य नाच रही थी, दरवाजे पर नाच रही थी, हमारे मड़ई में घर में नाच रहा था, वह अलौकिक दृश्य आज तक किसी के यहाँ हुआ नहीं होगा जो चमत्कार हमारे घर हुआ था। जो लोग गए हैं, वशिष्ठ जी गए थे, शांति दीदी का बच्चा गया था, वो बताएंगे लोग कि कैसा दृश्य था वहाँ पर, जो जिसके पास कुछ भी ज्ञान थोड़ा होगा ना, वो देखा होगा कि ऐसी शादी किसी के यहाँ हुआ नहीं होगा, कि वो दृश्य जो हमारे दरवाजे पर लौक रहा था, हमने तो अनुभव का किसका नहीं था, लेकिन आज गुरु के चरणों में ये कहने के लिए हमारे व्याकुलता हो गया। दूसरी बात, पहले की बात, हम गए थे तुलसी महाराज जी के यहाँ, यज्ञ हो रही थी, भोजन किए, रात में सो गए थे, ठीक का 1 बजा होगा, 1 बाग बचा के हम बचेंगे नहीं, मेरे कैसा दिमाग में नाचने लगा, कहीं का आए गुरु जी, उठानी कहनी थोड़ा सा लघुशंका करके आए, अपने मन में सोचे कहा गुरु जी तो बुझाता क्योंकि ये छूटे का कहा है, लेकिन ध्यान पर बैठ गए, आराम मिला। फिर 1 महीने के बाद वही दृश्य सामने मरे आया, रात में पूरे परिवार को बुला लिए, बच्चे को बुला लिए, परिवार को बुला लिए, कहनी अब तो हम बचेंगे नहीं क्योंकि हमारा दिमाग ही पता है कैसा हो रहा है, घबराहट हो रहा है, और सोच रहे हैं कि अब क्या हो गए अब, लेकिन देखना एक बार देखना हमारी इज्जत को बचाना, हम स्वाभिमानी आदमी थे, आँच नहीं हमारे परिवार पर लगा, हमारे देह पर लगा कि भैया तक ले, तो इस सामान को बच्चों बचा लेना, सिर्फ मर जाना लेकिन सर झुकाकर मत जीना, आन के लिए जान गंवा देना लेकिन कभी गलत शिकायत न सुनने पाए किसी स्तर का, ये सब कह करके 1 घंटा तक बैठाए थे लोगों को। फिर कहानी पानी थोड़ा लाइए, ठंडा पानी, उस समय गर्म पानी नहीं पीते, ठंडा पानी पिए, ठंडा पानी पीने के बाद कहने तुम लोग जाओ, हम फिर ध्यान पर बैठ गए, ध्यान पर बैठ गए तो हमको थोड़ा सा शांति मिला, लेकिन नींद नहीं आई। एक कृपा गुरु का हमारे साथ बहुत बहुत हुआ है, बोलिए सदगुरु चरण की।